देखो ग्लेज इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा घी है, ज्यादा घी हाँ, और आलू भी, आलू का पीस बढ़ा दिया है और बहुत ही ज्यादा कितना छोटा दिया है। मैं नहीं बात करूंगा ज्यादा बोल दिया जल्दी वापिस। So welcome back to our channel, the foodie gang of Kolkata. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले बहुत ही amazing सा challenge और इसमें होने वाला है challenge भी, comparison भी। भूल गए सब, सर आप भूल गए। Challenge ही होता है ना, देखो इस वेस्ट बंगाल का दो सबसे सबसे बेस्ट बिरयानी फेस्ट वाला, अगर तो आप लोग वेस्ट बंगाल आ रहे हो तो इन दोनों का बिरयानी तो आपको कहीं पे भी सुनने को मिल जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में होगा बहुत बढ़िया वाला मुकाबला मुकाबला तो आप हमारे टेस्ट को कौन भा जाता है, ये थोड़ा ना ऐसे अतरंगी वाला वीडियो होने वाला है, आपको अलग समझ आएगा। तो इसके बाद हम दो धुरंधर चल दिए एक लंबे सफर पे, जहां हमने खरीदा पूरे वेस्ट बंगाल के सबसे ज्यादा पसंद करने वाले दो ऐसे बिरयानी को। पहला है दादा बोदी और डी बाबी। फिर उसके बाद हम जो जा रहे हैं एक ऐसे मूल्यवान व्यक्ति के घर, वो मूल्यवान है ज्यादा क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अब जाके ही पता चलेगा कितना मजा आने वाला है उनके साथ बैठ के खाने में। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अरे तो ताला तक नहीं लगाया, क्या करते हैं बिशुदा ना। बिशुदा तो नहीं है इधर, कुछ भी। तो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, बैठो। ये बिशुदा कब आएंगे पता नहीं। ये दादा बोदी नंबर डिलीवरी होम डिलीवरी सब करते हैं। हाय हाय। अरे अभी तक गरम है बे। सही है। ये रहा इसका बिल 200 का। 200। सिग्नेचर पैकिंग। सिग्नेचर कहीं पे भी आपको ऐसा दिखेगा डब्बा तो समझ लेना दादा बोदी ना। बीबापी का भी है लेकिन 10 रुपए ज्यादा देना पड़ता है कंटेनर के लिए। अच्छा ठीक है। खुशबू कैसा? खुशबू कोलकाता में सबसे बेस्ट बोले तो यही दो है, ठीक है। और इसी का हम कर रहे हैं, कंपैरिजन बहुत बढ़िया। दिखा दिए देहाती पना। भाई ये सब चावल के भी दाम है बहुत, ठीक है। तू बोल रहा था कम होगा, कितना क्वांटिटी है देख। बहुत ही पूरा प्लेट। ये कितने का डायमीटर कितना है ये देखो, ये हाथ समझ लो, बहुत बड़ा क्वांटिटी। और चिकन का पीस भी बहुत बड़ा है। चलो ये है डिबापी। ठीक है। हाय हाय क्या खुशबू भाई साहब। बिशुदा सुंग सुंग के आ जाएंगे क्या बोलते हैं? मुझे लग रहा है आ सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में जो है, अरे ये क्या हो चुका है इसका, ये क्या हो चुका है। चिकन ओ भाई, चिकन ओपी, चिकन दादा बाबू ने बड़ा बड़ा चिकन दिया इसलिए इसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया पहले से। अच्छा अब देखो, अब इसी पे आपको दिख जाएगा इसका ग्लेज देखना। हाँ। ये दादा बाबू का ग्लेज है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता चल रहा। और इसका ग्लेज थोड़ा सा कम है। गोभी आलू गलती से आ गया। अरे बिशुदा ये आपका ही घर है। तुम कौन हो? अरे भैया भूल गए, सुबह को कॉल किया था, बोला फूडी किंग ऑफ कोलकाता से आने वाले हैं फूड ब्लॉगिंग के लिए, वो कंपैरिजन वीडियो दादा बोल दी। हाँ, 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 याद है तो अंदर कैसे है? अरे वो तो दरवाजा खुला हुआ था, ताला मार के नहीं गए थे? मैं तो ताला मार के गया था। क्या ताला? एक तो ताला खुद पर मारने गए थे। चाबी कहाँ है इसका? चाबी तो फेंक के आ गए थे। ये भगवान क्या काम आ गया। पूरा बिरयानी जैसा टेस्ट है।
अरे ये बिरयानी है, आपको बिरयानी टेस्ट करा रहे हैं, कैसा लगा वो बताओ। अच्छा मैं फूड ब्लॉगर हूँ, तुम लोग कौन? हम भी तो फूड ब्लॉगर ही है भैया, तुम आप ही बोलोगे। अच्छा हम आलू तो हम जो बोल रहे हैं दादा बोदी का जो वैसे भी बहुत बढ़िया है। देखो डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पूरे कोलकाता का सबसे ज़्यादा, मतलब मैं उस दिन उबर में गया था, उबर वाला बोल रहा है मैं बैरकपुर जा रहा हूँ तो दादा बोदी से लेके जाना ही जाना है भाई, 2 घंटे का लाइन लगा कर, लेकिन दादा बोदी का खरीदते ही है, सोच इतना लाइन लगता है। मेरे हिसाब से जो ये है दादा बोदी का एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया है, राइस एकदम ऑन द टॉप है, ग्लेज और ग्लेज भी बहुत ज़्यादा, जैसा आपने देखा डिबा भी उतना, देखो ग्लेज इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा घी है, ज़्यादा घी, हाँ, और आलू भी, आलू का पीस बढ़ा दिया है और बहुत ही ज़्यादा, कितना छोटा दिया है। मैं नहीं बात करूँगा दादा बोदी से, डिबा पीस है। तो ये रहा मेरा आलू, आलू के साथ बिरयानी। सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, क्या खा दिया, कतई ही जहर जहर है ना, मतलब खाता सुंदर, मतलब बहुत बढ़िया। ओहो हो, ये भी कम नहीं ले डिबा पी, हाँ डिबा पी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा पकड़े हैं, अच्छा टेस्ट बढ़ता है इनका, मतलब इसके थोड़े मसाले इससे डिफरेंट है और थोड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हाँ क्या देख सही में अनएक्सपेक्टेडली ये बोल रहे हो आप, हाँ मेरे को भी नहीं लगा था कि ऐसा होगा, पर अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों, असली बात ये है थोड़ा मसाला लग रहा है, मसाला लग रहा है, हाँ हाँ हाँ। ये पता क्या है, क्या दोनों ही बेस्ट है, दोनों बिल्कुल बेस्ट है, मतलब दादा बोदी मैंने बहुत ज़्यादा दादा बोदी खाया है, एक्चुअली रीतम का भी दादा बोदी बेस्ट है, मतलब फेवरेट है। दादा बोदी ना बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ। इसलिए फ्लेवर उभर के आता है, मुझे मतलब ये मुझे लगता है, हाँ। खुशबू होता है ठीक है, वो जो नाक पे लगता है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ। डी बापी का वो है बहुत ज़्यादा नाक पे लगता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन डी बापी भी बहुत बढ़िया है और दादा बोदी भी बहुत बढ़िया। एक ही शिकायत है भाई, उसने आलू इतना आलू दोनों ही बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एक चुने तो दादा बोदी। हाँ बताना हमारे बीशु भैया का कैसा लगा, हाँ उनका चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत ही बेहतरीन है, जो भी बंगाली है उनके लिए जो भी बंगाली जरूर से उनको उनको सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया कंटेंट बनाता है सही में, वो कतई, और आप लोगों ने देख ही लिया है उसका एक्टिंग, कतई जहर टाइप, ठीक है बढ़िया है, आप जाओ देखो मजे करो, लाइक ठोको शेयर करो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए टाटा।